हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से आप लोग का एक नए व्लॉग में स्वागत है। तो आज हम लोग जा रहे हैं, हमारी सारी टीमें हैं, आज जा रहे हैं हम लोग मरीना बीच। अभी मेरा तो फर्स्ट टाइम है, अभी ये लोग तो कई मरतब जा चुके हैं। और यहाँ का व्यू दिखाता हूँ आपको, कितना ज़बरदस्त व्यू है यहाँ का, देख सकते हैं आप लोग। ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं इस वक्त एयरपोर्ट पर हूँ, इस हिसाब से लग रहा है। यहाँ पे साइकिलिंग वगैरह बहुत बढ़िया होती है यहाँ पे, बिल्कुल परफेक्ट एकदम बिल्कुल आपको। तो ये ही लोग हैं अभी, अभी जा रहे हैं सब मरीना बीच। तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको मरीना बीच आज। गाइस, ये है चेन्नई मेट्रो स्टेशन। कम ये जिस हिसाब से पेंट हुआ है, इस हिसाब से लग रहा है बिल्कुल एकदम नेचुरल, गजब का। इसको रियल में देखने में ना एकदम बिल्कुल नेचुरल, नेचर वाला फील आ रहा है इसको, बहुत ज़बरदस्त है। और आज का है मौसम ये। गाइस, ये आप देख रहे हैं क्या है, ये है ईफिल टावर, छोटा वाला जो कि चेन्नई में अपने पड़ता है, यहाँ चेन्नई। तो अभी ये लोग हैं, ये समुंदर ये हैं, ये स्विमिंग पूल अभी आएंगे, इसमें नहाएंगे हम लोग। बट उससे पहले हम लोग जा रहे हैं अभी मरीना बीच, दिखाता हूँ आप लोग को नज़ारा। ये बिल्कुल ज़बरदस्त है नज़ारा यहाँ का, दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं वही है मरीना बीच, स्विमिंग पूल है और वो है मरीना बीच, बिल्कुल ठीक सामने। अभी दिखाता हूँ आपको, ये स्विमिंग पूल है। वो है मरीना बीच, दिख रही है आपको, ये सब लड़के मुबारकपुर के सब हैं। और ये है हमारे जोहर भाई, जो कि इनका अभी अभी YouTube चैनल अभी चल रहा है इनका। एक तो इनका डेड हो गया था, दूसरा वाला इन्होंने ओपन किया हुआ है। ये गाइस पूरी रेत मिलेगी आपको यहाँ पर, देख सकते हैं बहुत बड़ा है, गिनते नहीं कितना किलोमीटर में ये एरिया जो है फैला हुआ है यहाँ पे पूरा, बहुत ज्यादा है ये, देख सकते हैं रेत, पूरी रेत धस रही है यहाँ पे। और मुझे तो चलने का वो नहीं है अभी, ये लोग भी जा रहे हैं ये लोग। और यहाँ का लोकेशन देख लो आप गाइस, लोकेशन गजब है यहाँ का, बहुत बढ़िया है लोकेशन। मुझको चेन्नई कम से कम दो चार महीने पहले आना चाहिए था। व्यू देखो कितना ज़बरदस्त है। तो चलते हैं और आपको करीब से दिखाते हैं मरीना बीच कि क्या सीन है वहाँ का। यहाँ पे चलने में भी थोड़ा प्रॉब्लम हो रही मुझे, धस रही है जमीन, पूरी रेत है ना, पूरी 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 रेत है। तो करीब से दिखाते हैं आपको आज मरीना बीच। कहीं यहाँ पर चलना भी मुश्किल है, गाइज़ एक बढ़िया चीज़ दिखाऊं, ये क्योंकि मरीना बीच, इसी को कहते हैं मरीना बीच। ये अपने चेन्नई में है, बिल्कुल हम लोग के रूम के से एक किलोमीटर पड़ेगा। ये लहर देखो, लहर दिखाता हूँ अभी आपको, ये लहर देखो, ये जब मारती है गाइज ना, तो ज़बरदस्त सीन रहता है यहाँ का। बाकी लोग खड़े हुए हैं अभी सब लोग, और अभी ये रागी वगी सब नहा रहे हैं, ये सब पहले के आए हुए हैं हम लोग यहाँ। पहले मैं थोड़ा चलता हूँ और एक्सपीरियंस दिखाता हूँ आपका। और बाप रे बाप गाइस, बवाल है बवाल, देखिए पानी बिल्कुल आ रहा है ऊपर। ये मेरा फर्स्ट टाइम है अभी, अभी थोड़ा नीचे जाऊँगा तो पक्का चली जाएगी लहर खींच के मुझे। गाइस ऊपर आ रही है, बहुत जीत से लेके जाती है ये लहर, अब निकल जाओ आ रही थी, बड़ा मुश्किल है। और पहली बार में मेरा एक ये हाल हो रहा है अभी, ये लहर जब आती है ना तो आने के ज़्यादा अपने हिसाब से खींच के लेके जाती भी है सामने, तो थोड़ा मुश्किल है यहाँ पे, ये एक्सपीरियंस नहीं है। ये गाइस ये देख सकते हैं आप लोग, ये है लहर यहाँ की। गाइस देख सकते हैं आप लोग, जबरदस्त है। और वो है क्या नाम है, रागी भुजवार के भाई, बिल्कुल बीच में नहा रहा है एकदम वो। और ये है म्यूजियम जो कि मेरे साथ अभी आया है। गाइस यहाँ खड़े होने का मतलब ये है, यहाँ खड़े होने का कि आपका जो पैर है ना वो कम से कम वो अंदर होना चाहिए, वरना ये जो लहर है ना घींच के लेके चली जाएगी आपको। वो देखो नहा रहा है अरे जोहर का भाई रागी, हाँ तो बात ही अलग है गाइस। वो
ओह माय गॉड गाइस, लोकेशन देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे बवाल है बवाल। ओह माय गॉड, ये तो पानी घींच के लेके जा रहा है अपने साथ। ओह माय गॉड, ये गाइस दिखाऊंगा आपको एक और चीज़, झक्कास एरोप्लेन जा रहा है यहाँ पे, देख सकते हैं आप लोग। गाइस ब्लॉग तो मैं शूट करता हूँ, बट मेरे ब्लॉग से ज़्यादा ना इन लोग को दिक्कत होती है कि ये शूट करो वो शूट करो, मतलब बताते रहते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, बाकी तो सब सही है। ये सब लड़के आप लोग पहचान है, सब मुबारकपुर के लड़के हैं, ये सब मौजीज़, क्या नाम मौजीज़ है, और ये है हमारे यूट्यूबर जोहर भाई, जो कि अभी हमारे साथ चेन्नई में है, अभी वीडियो शूट कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, तो गाइस एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो मरीना बीच जो चेन्नई में आपके है, ये इसका जो ये तो पार्ट है यहाँ पे रहे, और इसका दूसरा वाला जो पार्ट है वो बंगाल की खाड़ी से मिलता हुआ है, मतलब मिला हुआ है, ठीक है। और इसका जो खंड है पूरा 12 किलोमीटर है, और 12 किलोमीटर है, 30,000 लोगों से ज़्यादा, तो ये डेली का डेली जो है अपनी और अपनी तरफ जो है आकर्षित करता है, पर्यटकों को आकर्षित करता है, अपना मतलब ये मंजर दिखाने के लिए कि चेन्नई में अगर आए हैं तो हमें देखिए, बाकी तो गजब देख सकते हैं आप लोग, लहर बहुत ज़्यादा है, बहुत तेज लहर है गाइस, मैं पूरा भीग गया हूँ, लहर देख रहे हैं कहाँ जा रही है, दोहर के पास जा रही है लहर, दोहर अपना वीडियो वीडियो शूट कर रहा है बढ़िया से। आज का व्लॉग तो काफ़ी ज़बरदस्त थे, अभी हम जा रहे हैं मरीना बीच में और देखते हैं कि यहाँ का जो नज़ारा मंदिर है कैसा रहता है। अभी मैं तो जा रहा हूँ राकेश के साथ, जाओ जाओ पानी में जाओ, अभी आलमदार भाई का ये सिस्टम है भाई, लहरें देखो, ओ भाई साहब, अबे पीछे की लहर देख भाई, जबरदस्त है ना, मौसम बहुत औसम है भाई। भाई ये चेन्नई में जब भी आओ मरीना बीच जरूर आओ। हाँ ये काफी करीब है इसीलिए हम लोग आते रहते हैं यहाँ पे भाई, अगर पीछे नहीं जाऊंगा ना तो पूरा पानी पानी हो जाएगा। दिल बनाओ दिल बनाओ। सो गाइस आप लोग कमेंट करके बताएं मरीना बीच का ब्लॉग जो है कैसा लगा आपको, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें कमेंट करें एंड शेयर ज़रूर करें गाइस, क्योंकि मैं यहाँ पे कमाने वाने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ पे तुम्हारा भाई सिर्फ और सिर्फ ब्लॉग बनाने के लिए आया है, मतलब ब्लॉग बनाने के लिए, कोई कुछ करे कि ना करे लेकिन मैं अपनी बात बताता हूँ, ब्लॉग बनाने के लिए कहीं भी जा सकता हूँ, पासपोर्ट नहीं है वरना कहीं और भी हो लेता, मुश्किल नहीं है, तो उसके लिए चाहिए पैसा, तो लाइफ में पैसा भी कमाना बहुत ज़रूरी है। तो आज के ब्लॉग को यहीं करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।